इख्तियारात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद का मामला अदालत उज़्मा की हिदायत पर अखबारात में इश्तिहार जारी कर दिया गया। बात करते हैं रोजीना अली से। जी रोजीना। जी बिल्कुल, आर्टिकल 62(1)F और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 के तहत नाअहली की मुद्दत का सवाल उठाया गया है और इश्तिहार भी इस हवाले से अखबारात में जारी किया गया है। अदालती फैसले का असर आइंदा आम इंतखाबात में उम्मीदवार पर भी हो सकता है, ये भी इश्तिहार में कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि ख्वाहिशमंद उम्मीदवार चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में अपने जामे तहरीरी जवाब जमा करवा सकते हैं। मजकूरा अपीलों और दीगर मुकदमात की समाअत 2 जनवरी 2024 को 7 रुकनी बेंच करेगा। जी बहुत शुक्रिया रोजीना। जी बिल्कुल, आर्टिकल 62(1)F और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 के तहत नाअहली की मुद्दत का सवाल उठाया गया है और इश्तिहार भी इस हवाले से अखबारात में जारी किया गया है। अदालती फैसले का असर आइंदा आम इंतखाबात में उम्मीदवार पर भी हो सकता है, ये भी इश्तिहार में कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि ख्वाहिशमंद उम्मीदवार चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में अपने जामे तहरीरी जवाब जमा करवा सकते हैं। मजकूरा अपीलों और दीगर मुकदमात की समाअत 2 जनवरी 2024 को 7 रुकनी बेंच करेगा। जी बहुत शुक्रिया रोजीना।